रायगढ़ में सुक्रवार की रात करंट की चपेट में आ जाने से तीन हाथियों की मौत हो गई, जिसमें दो वयस्क और एक शावक शामिल है, एक नर और एक मादा बताया गया है। वन विभाग के नर्सरी के अंदर जहां यह हादसा हुआ वह तार काफी नीचे झूल रहा था। मामला तमनार रेंज का है। जानकारी के अनुसार तमनार वन परिक्षेत्र के बकचबा बीट के चूहकी मार स्थायी रोपड़ी में शनिवार सुबह तीन हाथियों का शव बरामद हुआ, जिसकी जानकारी वन अमला को दी गई। डीएफओ समेत वन कर्मी तत्काल मौके पहुंचे। शुरुआती जांच में पता चला है कि 11 केवी तार की चपेट में आने से हाथियों की मौत हुई। करंट की वजह से आसपास के घास भी जल गए थे। जहां हादसा हुआ है वहां तमनार रेंज के समारूपा का जंगल हाथियों के आवागमन का रास्ता है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि घटना के बाद हाथी के शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण समिति के ब्लॉक अध्यक्ष सोमदेव मिश्रा ने बताया कि यह बिजली विभाग की लापरवाही है। करंट प्रवाहित तार काफी नीचे झूल रहा था, जबकि घरघोड़ा रेंज में हाथियों का दल अभी काफी संख्या में विचरण कर रहा है। ऐसे में हाथी विचरण करते समय करंट की चपेट में आ गए होंगे। इस मामले में डीएफओ स्टाइलो मंडावी का कहना है कि हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में लगातार मुनादी कराई जा रही थी, जिसे कोई जनहानि न हो, लेकिन यहां तीन हाथी करंट की चपेट में आ गए। मामला में जांच जारी है। जिला में विचरण हाथियों की संख्या लगभग 158 तक है। घरघोड़ा रेंज में 78 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। वहीं अमलीडी क्षेत्र में 48 और कमतरा इलाके में 30 हाथी मौजूद है। ऐसे में रात होते ही हाथी जंगल से निकलकर किसानों के खेतों तक पहुंच जाते हैं। मौत हुई है और कार्रवाई मतलब अपन लोग जारी रखे हुए हैं। इसमें एक शावा के युवक एक मादा की जानकारी अभी तक मिली हुई है। प्रथम दृष्टया क्या से मौत होने की जानकारी मिल रही है सर? ये इलेक्ट्रिक पता चल रहा है, जांच जारी है। जांच में फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर पता चलेगा। ये तमनार वन परिक्षेत्र अंतर्गत जो चुक्की मार में स्थायी रोपनी है उसके अंदर तीन हाथियों की करंट लगने से मौत हुई है, और इसके पीछे यदि सबसे बड़ा दोषी कोई है तो वो है विद्युत विभाग, जो कि नर्सरी के अंदर एकदम नीचे से गए हुए तार होने के बावजूद भी कभी भी उसको सुधारने का प्रयास नहीं किया, ना वहाँ अलग से तार ऊपर करने के लिए खंभा लगाने का प्रयास नहीं किया, जिसके बदौलत आज ये गंभीर परिणाम हुआ है। और बहुत ही दुखद बात है कि तीन तीन हाथियों की मौत जो है वो स्थायी रोपनी के अंदर हो रही है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है।